गुड मॉर्निंग गाइज, चंद्रा इंस्टीट्यूट पे दोस्तों का स्वागत है। तो गाइज, दिस इज गोइंग टू बी डे टू ऑफ इंग्लिश टीजीटी। तो दोस्तों आज फिर से लेट्स ट्राई, कोशिश करते हैं दोस्तों। एंड देर आर सम वेरी गुड एंड सम डीप क्वेश्चंस, सम इजी वंस, देर इज अ मिक्स ऑफ यू नो क्वेश्चंस। दोस्तों सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग कहता हूँ, सारे मित्र, मेरे बच्चों, सारे लोग एक बार लाइव हो जाएंगे एंड वी विल स्टार्ट द सेशन। हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। थैंकिंग यू एंड लेट्स गो स्टार्टिंग। आई एम गोइंग टू ओपन सो दैट आई कुड फाइंड योर आंसर्स। ओके, ग्रेट, ठीक है। इट्स पूजा सोनकर, हेलो। चलेंगे मेरे बच्चों, लेट्स गो, शुरुआत करते हैं। एंड सी गाइज, कल के क्लास के लिए एक बार फीडबैक दे, कल की क्लास कैसी लगी दोस्तों, एक बार पहले इसकी बात हो जाए। सो दैट वी कुड स्टार्ट द सेशन वंस मोर। How was the class of yesterday, guys? कल की क्लास कैसी थी दोस्तों? Tell me. कल की क्लास के बारे में just make a comment, guys. कैसा लगा कल का क्लास? So that I could go through your comments. Yes. बिल्कुल. Okay. Now it's all right. Yes. Very good. Thank you. It's Annapurna. Tikam Gaur. Tikam Gaur. Good morning, sir. Good morning, guys. चलेंगे शुरुआत करेंगे दोस्तों, लेट्स स्टार्ट टुडे। यस, ओके ओके अंकित, यस थैंक यू, वंडरफुल, थैंक यू। शुरुआत करते हैं दोस्तों, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज व्हाट? वर्ड्सवर्थ की रचनाओं का एक बड़ा सा भाग दोस्तों क्या है? तो वी आर गोइंग टू टेक इट, इंस्पायर्ड, पायरेटेड, अनइंस्पायर्ड, नन ऑफ दीज। लॉन्ग स्टोरी, बहुत डीप क्वेश्चन, इनफैक्ट शायद बहुत ही ज्यादा डीप हो गया दोस्तों, थोड़ा क्रिटिकल टाइप का हो गया। आपके अनुसार वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का एक बहुत बड़ा सा भाग क्या है? इंस्पायर्ड है, पायरेटेड है, अनइंस्पायर्ड है, नन ऑफ दीच? यस दोस्तों, मैं कहानी बताना चाहूंगा, एक कोटेशन मैं लेना चाहूंगा पीवी सेले से। वंस पीवी सेले सेड, पीवी सेले ने एक बार दोस्तों क्या कहा कि वर्ड्सवर्थ इज अ मोरल यूनक। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। उन्होंने कहा वर्ड्सवर्थ, अ लॉट, अ बिग पोर्शन ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ इज विदाउट इंस्पिरेशन एंड बिलीव मी इट वाज द ब्लडी नॉनसेंस पोएट्री। यकीन करें दोस्तों, हुआ क्या, हेट रोमांटिक पोएट्स। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुझे रोमांटिक पोएट्स से बहुत दिक्कत है दोस्तों, थोड़ा बेयर सॉलिड नाउ दोस्तों। मतलब 5,000 लाइन पोएम्स लिख दी और दोस्तों ये भी नहीं बताया किस पे लिखा है, और लास्ट बताया कि बादल पे लिख रहा है। मतलब आप पागल हो जाओगे यार, व्हाट हेल इज राइटिंग। पर आप पंख यू झड़झड़ाते हो, परंतु पता लगा ही इज राइटिंग अबाउट क्लाउड्स। सेले की बात कर रहा हूं दोस्तों। सिर्फ एक नैतिकता दिखाई अपने पोएम्स में, रोट अबाउट नेचर। अगर सही से बताऊं तो आई होप गाइज यू मस्ट हैव हर्ड, वर्ड्सवर्थ गेव हिज बेस्ट इन हिज लिरिकल बल्लेट्स। वर्ड्सवर्थ ने अपना बेस्ट दिया दोस्तों लिरिकल बल्लेट्स के सारे एडिशंस में, एंड आफ्टर दैट अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स से दैट हिज इंस्पिरेशन डाइड, उनकी प्रेरणा मर गई। एंड नियर अबाउट 14, आप जानते दोस्तों प्रिल्यूड की आधी से ज्यादा किताबों में इतनी ज्यादा निरस्ता है कि कोई पढ़ने बैठ जाए ही कॉन्ट रीड। सो द राइट आंसर इज गाइज सी फॉर चेन्नई। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया था, आई मीन यह टिपिकल थोड़ा यूजीसी लेवल का हो गया था, डाल दिया, ठीक है। चल दोस्तों, अ लॉट ऑफ हिज पोएट्री इज अनइंस्पायर्ड, ही रोट, मतलब उनकी पोएट्री में डेवलप, देखिए अनइंस्पायर्ड का अर्थ क्या है, पोएट्री डेवलपिंग नहीं नजर आती, वो नेचर से शुरू करते हैं और हमेशा नेचर पे ही रहते हैं, उसमें कोई विविधता नहीं आती दोस्तों। एक मोरल फिलोसोफर, क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा था अपने एक लेक्चर में कि एक कवि को अगर टीचर को कुछ टीचर होना चाहिए, और अगर उसकी कविता में कोई टीचिंग नहीं है तो उसे कवि होने का कोई राइट नहीं है, जबकि मोरलिटी से कविता का मॉडर्न क्रिटिसिज्म के अनुसार कोई भी लेना देना नहीं है। सो द राइट आंसर इज गाइस सी चेन्नई।
लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताना है आपको, हाँ, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी, मतलब मैं एक बार हिंदी बताना चाहूंगा, कह रहा है कि एक कवि सिर्फ प्रसन्न हो सकता है ऐसे साथ को पाकर। यह वर्ड्सवर्थ की किस पोएम की लाइन से? सोलिटरी रीपर, टेबल्स टर्न, लूसी ग्रे, डेफोडिल्स। मुझे यकीन है दोस्तों आप ये जरूर लाइन बताएंगे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी, कहने का अर्थ है इतने मजाकिया माहौल में कवि सिर्फ और सिर्फ प्रसन्न हो सकता है। यह लाइनें कहां से ली गई हैं? ऑप्शन ए सोलिटरी रीपर, टेबल्स टर्न्ड, लूसी ग्रे एंड अफोर्डिंग्स। तो आई एम गोइंग टू हैव अ लुक ऑन योर आंसर्स गाइज। अब आपके उत्तर पर मैं एक निगाह डालूंगा एंड आई होप यस। दोस्तों वेट कर रहा हूं, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। दोस्तों यहां पे हम एक बहुत बड़े पॉइंट्स पे, आप लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर देख सकते हैं वर्ड्सवर्थ पे, इसे विधिवत वहां लिया गया है। गो एंड चेक वंस मोर, मैंने आपको बहुत डीप पढ़ाया दोस्तों। लिसन लिसन गाइस, दोस्तों इन वर्ड्सवर्थ आपको चार पांच चीजें मुंह जबानी याद होनी चाहिए। पहली, हर पोएम की कुछ खास लाइनें जो बहुत फेमस है। Along with that, कौन सी पोएम किस पब्लिकेशन आई, और आपने ऑनलाइन क्लास में देखा है, मैंने यहां तक बता दिया है कि किस पब्लिशिंग में कितनी पोएम्स आई और कौन कौन सी मेजर पोएम्स आई दोस्तों। तो दोस्तों द राइट आंसर इज डी फॉर डेनमार्क, डैफोडिल्स। इसका एक और नाम है आई वेंडर लोनली इन क्लाउड्स। मुझे यकीन है दोस्तों आपने इसका एक दूसरा सब टाइटल है जो इसकी पहली लाइन है, I wandered lonely in cloud। Daffodils flowers होते हैं दोस्तों, एक प्रकार के फूल होते हैं, उन्हें रास्ते से गुजरते हुए वर्ड्सवर्थ ने देखा। और आपको दोस्तों मुझे यकीन है कि आपने जरूर सुना होगा, मतलब बहुत ही मजाकिया, और मतलब उन्होंने एक नेचर के लव के लिए लिखा है। सो द राइट आंसर इज गाइस Daffodils। क्या हम एग्री है? यस करें दोस्तों, आर वी एग्री ऑन इट? यस। Daffodils का एक और नाम है दोस्तों, जो इसका पहला लाइन है I wandered lonely in clouds, among clouds, शायद ध्यान नहीं आ रहा एक लाइन। तो दोस्तों यह इसकी शुरुआती लाइन है, इसका एक नाम भी है। सो द राइट आंसर इज गाइस यस Daffodils। पोएम्स की लाइन दोस्तों आपको आनी ही चाहिए, कि पूछता है, देखिए जिस पोएट ने केवल कविता ही लिखी है भाई, कोई नाटक नहीं, कोई प्लेज नहीं, तो दोस्तों उस केस में और क्या पूछेगा आप ही बताइए। दोस्तों एकमात्र पोएटिक ड्रामा लिखा किसने? वर्ड्सवर्थ ने, और मुझे यकीन है आप उसका नाम जानते होंगे। उस एकमात्र उनके ड्रामे का नाम है द बॉर्डर्स। यह एकमात्र प्ले है जो किसने लिखा? वर्ड्सवर्थ ने। सो द राइट आंसर इज गाइस Daffodils। यह देखिए, दिस इज द ओनली प्ले रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ और उनका कोई सफलता हाथ नहीं लगी। सो वर्ड्सवर्थ स्टॉप्ड राइटिंग प्लेज, उन्होंने नाटक लिखने बंद कर दिए दोस्तों। Let's go to next question। ये यकीन है, यह निश्चित ही आप याद करेंगे और मुझे सही उत्तर बताएंगे। मैं ऊपर कर रहा हूं ताकि हम आपसे बात कर पाए। We are selfish men, oh raise us up, return to us again। These lines appear in which poem of Wordsworth? To Shakespeare, to Milton, to Ben Jonson, none of these। Let's go। शुरू करते हैं। हम स्वार्थी लोग हैं, रिटर्न टू अस, हमारे पास वापस आ जाओ। रेज अस अप, हमारे नैतिक पतन हो चुका है, हमें फिर से ऊपर उठाओ। वर्ड्सवर्थ ने लाइनें किसके बारे में कही है दोस्तों? टू शेक्सपियर, किस पोएम से है? टू मिल्टन, टू बेन जॉनसन, टू नन ऑफ दीज। दोस्तों शायद आपने जरूर सुना होगा, फ्रीडम के समर्थक थे वर्ड्सवर्थ, डेमोक्रेसी के समर्थक थे दोस्तों। और डेमोक्रेसी का एक और बंदा समर्थक था जिसने इंग्लैंड की राजाशाही की गद्दी तोड़ दी थी, आई मीन एक बार पूरा रॉयलिटी पे ही ब्रेक लगा दिया था,
एंड द नेम ऑफ दैट मैन वाज, यस ऑफ कोर्स दोस्तों आप सभी जानते हैं, उनकी एक सोनेट है जिसका नाम है टू मिल्टन, और उसकी पहली लाइन, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस अर्थ, मतलब कभी एक सुख मतलब मिस करता है, क्या कहता है कि मिल्टन काश तुम इस समय जिंदा होते, इंग्लैंड के हालात बहुत बुरे हैं, हम स्वार्थी हो गए हैं, वापस लौटो, हमें स्वतंत्रता दो। दोस्तों दीज आर द सम फेमस लाइंस, और यह इसका पूरा सेंस है, हमेशा इसका पूरा, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1802, 1802, इसलिए पोएम का पूरा नाम है टू मिल्टन 1802। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, सो द राइट आंसर इज यस ऑफ कोर्स, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, टू मिल्टन इज द राइट आंसर। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर, देयर नेदर इज नॉर कैन बी, देखिए दोस्तों मैं थोड़ा इसको छोटा करूंगा ताकि आप देख पाओ, यस, देयर नेदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज अप्रोच एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, हु सेड, मतलब कि कविता और गद्य के मेट्रिकल कंपोजिशन में कोई बहुत, मतलब कहने का अर्थ है कोई बहुत बड़ा शब्दों का अंतर नहीं होता, यह किसने कहा? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ ने, ऑप्शन बी कॉलरिज ने, ऑप्शन सी चार्ल्स लैम ने, ऑप्शन डी मैथ्यू अर्नल्ट। यस, चलिए दोस्तों यह दोस्तों बहुत ही, आपने जरूर वर्ड्सवर्थ के बारे में सुना होगा, एंसर आपको बताना है यह कौन हो सकता है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, लैम, अर्नल्ट। आई होप गाइस गोइंग टू चेक योर आंसर्स वंस मोर, आपके आंसर्स को एक बार फिर से चेक करूंगा। यस, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दूं, आपने वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन ऑफ पोएट्री पढ़ा होगा, क्या पोएट्री इज, क्या है, पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, मतलब एक दमदार इमोशंस जो शांति में किसी वन में किसी जंगल में नेचर की गोद में कलेक्ट किए गए हो दोस्तों, और उनके पोएट्री के जो विचार हैं दोस्तों वो लिरिकल बल्लट के सेकंड एडिशन में मिलते हैं, जो प्रीफेस टू पोएट्री लिखा गया था दोस्तों, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ, जिन्होंने कहा था कि पोएट्री की भाषा आम लोगों की भाषा होनी चाहिए, पोएट्री को दैनिक जीवन आम लोगों को दर्शाना चाहिए, न कि रजवाड़ों को राजाओं को। एंड दोस्तों द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स वर्ड्सवर्थ, लाइनें है दोस्तों प्रीफेस टू लिरिकल बल्लेट्स, प्रीफेस टू लिरिकल बल्लेट्स दोस्तों, यह बहुत ही, देखिए गाइस इस वाले ध्यान रखिएगा, मैं आपको वैसे कोशिश करूंगा पूरा पढ़ाऊं भी, अगर आपको कहीं भी इसका पीडीएफ मिल जाए आप ऑनलाइन पा सकते हैं, ज्यादा नहीं है दोस्तों 10-12-15 पेज है, एक बार पढ़ जाइएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आएंगे आगे नेक्स्ट। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, 10,000 saw I at a glance, what did Wordsworth see at a glance, कह रहा है मैंने लगभग एक ही बार में, अतिशयोक्ति है दोस्तों, मैंने लगभग एक ही बार में 10,000 को देखा, वर्ड्सवर्थ ने एक ही बार में 10,000 लोगों को देखा, वो क्या था? ऑप्शन ए सॉलिटरी रीपर, टू लूसी, डैफोडिल्स, नन ऑफ दीज। कमन गाइज सुनेंगे, मैंने लगभग 10,000 की संख्या में इन्हें एक ही बार में देखा, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ही बार में 10,000 क्या देखा? ऑप्शन ए सोलिटरी रीपर, टू लूसी, डैफोडिल्स एंड नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जैसा आपको बता भी चुका हूं अभी, इस पोएम के बारे में हमने दोस्तों बात भी की थी, गोइंग टू चेक योर आंसर्स वंस मोर, और दोस्तों सोलिटरी रीपर 10,000 कहां है? बिफोर यू आंसर प्लीज चेक द लॉजिक ऑफ द आंसर गाइज, इससे पहले कि आप उत्तर दे दोस्तों अपने बात, अरे सोलिटरी रीपर तो एक हाईलैंड लैस, एक बच्ची है, एक लड़की है जो एक गाना गाए जा रही है, शायद फसल की कटाई कर रही है दोस्तों, तो सोलिटरी रीपर तो एक है, तो 10,000 कैसे देख सकता है?
अरे भाई ज्यादा होगा उसने थोड़ा बढ़ा के कर दिया है, एंड द राइट आंसर इज गेट यस डैफोडिल्स। दोस्तों ये डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स थे उसके गार्डन से वर्थवर्थ गुजर रहे थे और उन्होंने एक हाइपरबोली जिसे बोलते हैं आप अतिशयोक्ति अलंकार वो कह रहे हैं 10,000 saw I at a glance, मैंने एक ही नजर में लगभग 10,000 को देखा। द राइट आंसर इज यस डैफोडिल्स। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखेंगे यह लाइन बहुत फेमस है दोस्तों, बहुत ही फेमस लाइन है और बहुत आती है, मैं चाहूंगा इसको आप नोट भी कर लेंगे। चलिए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूं ताकि आप देख पाए। सी दैट ऑफ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहां, बियर्स नहीं बेयर्स होना चाहिए। द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, दीज लाइन्स इज इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ, द वर्ड इज टू मच विद अस, डैफोडिल्स सॉलिटरी रीपर, नन ऑफ दीज। मुझे यकीन है दोस्तों आप इसका नाम जरूर बताएंगे और आज अच्छा खासा मैंने आपको रियाज करवा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों उनकी एक पोएम द वर्ड इज टू मच विद अस और क्या है, बाय गिविंग एंड टेकिंग बी स्पेंड द आर्स लिटिल बी सीन नेचर दैट इज आर्स। दोस्तों अब दोस्तों सिंपल सी बात क्या है, द सी दैट बियर्स हर बॉसम, मतलब दोस्तों एक स्त्री से कंपैरिजन कर रहे हैं समंदर का, मतलब प्रेमी प्रेमिका का सेंस दिखा रहे हैं। बॉसम मीन्स जस्ट यू कैन कॉल मी जस्ट, मैं हिंदी का कौन सा शब्द आपको बता दूं, यू मे जस्ट कॉल इट दामन समवॉट लाइक दैट इन हिंदी। हाँ दोस्तों यह बहुत आई मतलब एक टिपिकल ब्यूटी, मतलब कि जब एक चांदनी रात होती है समुंदर यू तरह चमकता हो जैसे उसका प्रेम हो किससे, मून से। और दोस्तों यह पोएम का नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, मतलब हम अचानक बहुत सांसारिक हो गए हैं, हम नेचर को बहुत कम देख पा रहे हैं जिसने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, हम शहर के शोर शराबे में वी हैव लॉस्ट द लव ऑफ नेचर एंड यस द राइट आंसर इज गाइज ए फॉर अमेरिका, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यस और आपने बिल्कुल सही बताया था गाइज, काफी लोगों ने सही उत्तर दिया है, लेट मी चेक इट आउट। यस द वर्ड इज करेक्ट, अंशु देव, रिंकी मिश्रा, यस रिंकी दैट वॉज द राइट आंसर, यस द वर्ड इज टू मच विद अस, दैट्स वेरी ट्रू। ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट, द नेम ऑफ, एक साल एक क्वेश्चन आया था दोस्तों और मैं चाहूंगा आप बताएं, द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल इज व्हाट, उनकी एक पोएम आपने सुना होगा माइकल, उन्हें उसकी जो माइकल की झोपड़ी है उसका क्या नाम है, द लाइट स्टार, द मॉर्निंग स्टार, द इवनिंग स्टार, नन ऑफ दीज। दमदार हाँ, हो जाए दोस्तों, चलिए उत्तर बताइए आपको अच्छा लगेगा। हाँ मैं आपको शौक देने वाला हूं, आप परेशान ना हो, मैं हल्का प्रयास तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा दोस्तों, ये तरीका भी नहीं मेरे पढ़ाने का, थोड़ा झटका लगेगा बट बी गुड, आप समझ जाओगे कि लेबल। देखिए दोस्तों इंग्लिश में टीजीटी की तैयारी करना और सफल होना बहुत आसान है अगर आपको जुनून है इंग्लिश पढ़ने का, एंड यू मस्ट हैव पैशन टू लर्न एज वेल एज टू टीच इंग्लिश। दोस्तों आपको पढ़ाने और पढ़ने का जुनून हो दोस्तों इंग्लिश पढ़ने से बेहतर कोई काम नहीं है। और दोस्तों आपको बता दें कॉटेज जिसमें माइकल अपने बेटे के साथ रहता है दोस्तों उसका नाम है द इवनिंग स्टार। आई एम गोइंग टू चेक योर आंसर्स, एक बार आपके आंसर चेक कर लेता हूं दोस्तों, एंड यस सी दैट्स धर्मेंद्र, धर्मेंद्र मैन यू हैव गिवन यस द राइट आंसर, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर, धर्मेंद्र यू हैव गिवन द राइट आंसर मैन, आपने सही उत्तर दिया है, सही उत्तर है द इवनिंग स्टार। यह भी दोस्तों एक बहुत पॉसिबल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों व्हेन यू नो गो थ्रू अ पोएम, दोस्तों मैं आपको बोलूंगा जब भी देखिए कुछ चीजें आप अपने से तरीके से, मैं आई एम टीचिंग, मैं बहुत वैसे भी बहुत डीप पढ़ाता हूं दोस्तों, मैंने पोएम्स तक पढ़ा दी है वर्ड्सवर्थ के, आई मीन दैट्स नॉट अ पॉइंट गेट बॉदर्ड अबाउट,
इम्पॉर्टेंट ये है, जब आप किसी पोएम को पढ़ें, स्पेशली जब आप मिल्टन को पढ़ रहे हो, जब आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हो, क्योंकि दो लोग फुली पोएट हैं, और भाई आप शेक्सपियर बेसिकली प्लेज कवर करते हो, और गार्ल्सवर्दी के हम प्लेज एंड नॉवेल्स दोनों कवर करते हैं। पर दोस्तों इफ वी टॉक अबाउट वर्ड्सवर्थ एंड मिल्टन, दोस्तों आपको इसे दो नजरिए से पढ़ना चाहिए। एक तो पोएम का टेक्स्ट एक बार देख लेना चाहिए, और एक बार उसकी इंग्लिश में समरी पढ़ लें, क्योंकि दोस्तों कई बार पोएम्स के करेक्टर या कोई चीज वर्णन किया गया है उसको भी पूछ लेता है। एंड एज यू नो सी फॉर चेन्नई एवनिंग स्टार नाम है दोस्तों उसकी कॉटेज का। लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, द मून डथ विथ डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन द हेवेंस आर वेयर। ये लाइनें कहां से ली गई हैं दोस्तों? कह रहा है कि चंद्रमा बहुत आनंद के साथ, मतलब एक चांदनी फैलाता है जब हेवेंस आर वेयर, जब आसमान साफ है, कहने का सिंस है। ये लाइनें कहां से आती है दोस्तों? लेट्स गो, आए एक बार गेस करें। यस, गोइंग टू टेक योर आंसर्स। यस, यस गोइंग, ओके, हो दोस्तों मैं आपको आज ही होमवर्क फॉर टुडे, आप वर्ड्सवर्थ की दो तीन पोइम्स पढ़े, टिंटन अबे पूरा पूरा का पूरा पढ़िए, आप टिंटन अभी पूरी पढ़ी है, इमोर्टैलिटी ओड जो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप इमोर्टैलिटी ओड को पूरा पढ़िए, मिल्टन को पूरा पढ़िए दोस्तों, और उनकी जो कुछ सोनेट्स आती है उनको जरूर पढ़िए। पर आपको दो पॉइंट्स मैं खास करके आई एम गोइंग टू गिव यू, दिस वन इमोर्टैलिटी बोट एंड टिंटन अबे, ये दो पोएम आप निश्चित पढ़िएगा और आज ही पढ़िएगा। दीज आर द लाइन्स, इमोर्टैलिटी बोट मतलब दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि द लव फॉर नेचर इज इमोर्टल, हम नेचर से मतलब हर व्यक्ति के अंदर कुछ सुपर नेचुरल है, द सोल ऑफ अ मैन इज सुपर नेचुरल, इट इज ऑलवेज इन द लव ऑफ नेचर, बट दुनिया की सांसारिकता कीप्स अस अलूफ, कीप्स अस अवे फ्रॉम नेचर, हमें प्रकृति से दूर करती है। और उसी की एक फेमस लाइन है दोस्तों, क्या ये वाली, द मून डथ विथ डिलाइट लुक अराउंड व्हेन द हेवेंस आर वेयर, द राइट आंसर इज गाइस इमोर्टैलिटी ओड। लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट, एक फिर से एक बहुत दमदार क्वेश्चन, और इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों। आई होप यू गाइज आर गोइंग टू टेल मी द राइट आंसर। सी द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेल्यूड इज, तो दोस्तों उनका महाकाव्य जैसा उन्होंने प्लान किया था, यद्यपि इसको महाकाव्य का दर्जा नहीं मिला, बट इसकी दोस्तों कुछ बहुत इसमें बारीक बातें करेंगे। हम शुरुआत करेंगे पहले उनकी सबसे फेमस बुक प्रेल्यूड की पहली लाइन कौन सी है? Oh, there is a blessing in this gentle breeze. I wander lonely as a cloud. My heart aches. None of these. मुझे यकीन है आप इस बार सही उत्तर बताएंगे दोस्तों इसको। The first line of prelude is what? Oh, there is a blessing in this gentle breeze. I wander lonely as a cloud. My heart aches. Yes? Go. I hope you guys are giving me the total right answer. Yes, दोस्तों, it is again a very possible question. पहली लाइन कहती है दोस्तों कि एक सुखद एहसास से, एक वरदान जैसा है, ठंडी ब्रिज मीन्स ठंडी हवा में, यहां से दोस्तों शुरू होता है, क्या यहां से शुरू होती है द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेल्यूड। सी गाइज, प्रेल्यूड के बारे में भी जानेंगे।
प्रेल्यूड का दोस्तों जो सब टाइटल है, देखिए बातचीत अभी मैं दोस्तों बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक टाइम कि आप इस पर बात देखेंगे, फिर भी अब आपने बात फैला दी है तो इसको प्रेल्यूड का नाम है द ग्रोथ, इसका एक सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, यह दोस्तों इसका प्रेल्यूड का सब टाइटल है। प्रेल्यूड को 14 किताबों में बांटा गया है, द प्रेल्यूड इज डिवाइडेड इनटू 14 बुक्स। दोस्तों ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारी चीजें पूछता है दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दोस्तों ध्यान रखिएगा कई चीजें जैसे लाइंस और आपको बायोग्राफी, ऑल द फोर राइटर्स गैसवर्दी, मिल्टन, शेक्सपियर एंड अलोंग विद दैट वर्ड्सवर्थ, आपको चारों लोगों की बारीकी से आप, मैं तो ये कहूंगा कि आप बायोग्राफी मैंने पढ़ाई है, फिर भी मैं कहूंगा आप इसको 2-3 किताबों से पढ़िए, तो अलग अलग कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। तो दोस्तों बायोग्राफी से क्वेश्चंस बराबर पूछता है। देखिए दोस्तों आपको एक बात बता दूं, इंग्लिश TGT में एक अच्छी बात आपके लिए क्या है कि मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जाती, क्यों? क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा गेस कर पाना उत्तरों में एक्यूरेसी, जब लिटरेचर की बात होती है जनरली लोगों के पास या तो सिर्फ लिटरेचर स्ट्रांग होता है या फिर लैंग्वेज स्ट्रांग होता है, बहुत कम ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है जिनका दोनों पे पकड़ हो, और मैं आशा करता हूँ आप दोनों पे पकड़ बनाएंगे दोस्तों। सो द राइट आंसर इज गेट, यस ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इट वॉज, बहुत दोस्तों यह क्वेश्चन भी कई बार आया है, चलते शुरुआत करते हैं। इट वॉज द एक्ट ऑफ स्टिल एंड ट्रबल्ड प्रेशर, दिस इज अबाउट एन एपिसोड इन प्रेल्यूड, विच एपिसोड? मतलब एक चोरी की कहानी बता रहा है कि मतलब यह एक चोरी की कहानी है जिसमें आनंद तो मिला पर यह भी डर था कि पकड़े गए तो क्या होगा। यह प्रेल्यूड के एक एपिसोड से लिया गया है, उस एपिसोड का नाम क्या है? बोटिंग एपिसोड, रिवर एपिसोड, रिंग एपिसोड, नन ऑफ दीज? दोस्तों आशा करता हूं आप एकदम सही बताएंगे। लेट्स गो, मेक श्योर। तो दोस्तों सिंपल सी बात क्या है, एक बार ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब एक बार क्या हुआ कि कहीं घूमने के लिए वर्षभर निकले और उन्होंने देखा किनारे पे किसी की नाव लगी थी और उन्होंने नाव को चुरा लिया, चुरा मतलब लंगर से खोल लिया और रात में अकेले ही घूमने निकल गए। इसे हम बहुत फेमस एपिसोड के नाम से जानते हैं, इट्स कॉल्ड बोटिंग एपिसोड, नॉट रिवर, गलत, रिंग एपिसोड नहीं, द राइट आंसर इज गाइस बोटिंग एपिसोड। मुझे यकीन है दोस्तों आप इतना जरूर गेस कर पा रहे होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं बहुत डीप पढ़ता हूँ, जैसा मैं हल्का पढ़ा भी नहीं सकता। What I'm trying to tell you guys, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज रीड, कोशिश करिए बेहतर। देखिए गाइज बुरा मत मानिएगा, ये मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्वेश्चन तो आराम से हो ही रहे हैं दोस्तों, हल्का मत पढ़िए, अभी आपके पास टाइम है। लिसन, मेरी बात को सुने एक मिनट और सारे लोग यस कहें अगर आपको अच्छी लगी। थोड़ा वैकेंसी में टाइम है, अभी वैकेंसी नहीं आई है दोस्तों, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आई है कोशिश करिए कुछ टेक्स्ट पढ़ लीजिए, हमेशा गाइड का इस्तेमाल मत करिए, कुछ रियल टेक्स्ट भी पढ़ लीजिए। और वही जैसे दोस्तों ऑल द प्लेज, शेक्सपियर के मैक्सिमम प्लेज मैंने पढ़ाए हैं, कुछ जो गैर इंपॉर्टेंट थे उनको नहीं लिया है दोस्तों, पर इस सेशन में मैं उनके ऑल 37 प्लेज लेने जा रहा हूं, भले ही मुझे 200 वीडियो क्यों ना बनानी पड़े। दोस्तों कोशिश करिए अभी कुछ टेक्स्ट पढ़ लीजिए, कुछ रियल बुक्स पढ़ लीजिए। देखिए गाइड्स में मैटर को कॉम्प्रेस कर दिया जाता है, इस वजह से कुछ लाइनें, कुछ कोटेशंस हम नहीं पा सकते जो हमें रियल टेक्स्ट में मिल सकते हैं। सो गाइज आई वुड लाइक टू जस्ट सजेस्ट यू, जस्ट गो एंड रीड सम रियल टेक्स्ट, ओके? सो फ्रैल्टी दाई नेम इज वुमन, कमजोरी मजबूरी तुम्हारा ही नाम औरत है, यह किसने कहा है? दोस्तों आइए अब धुआंधार हम शेक्सपियर का नंबर लगा रहे हैं। फ्रैल्टी दाई नेम इज वुमन, कमजोरी मजबूरी तुम्हारा ही नाम औरत है, यह कौन कहता है? वायला टू हरसेल्फ, वायला टू ओलिविया, हेमलेट टू हिमसेल्फ, हेमलेट टू क्वीन गर्ट्रूड? द
दमदार है वैसे आप जानते हैं, बस आपको सी और डी में से सही उत्तर देना है, बाकी मैं जानता हूं इतना तो आप भी जानते हैं। लेट्स गो। चलिए आपके उत्तर चेक कर रहा हूं। यस, थैंक यू विजय, अनीश, यस, सुमित, श्रद्धा, यस, अंशु, धर्मेंद्र, निधि शर्मा, अंशु सी गए मैन। इट्स अ सालिलोक्वी, जिसे आप बोलते हैं अकेले में कहा गया वाक्य, और हेमलेट की सालिलोक्वीज बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, खासकर टू बी आर टू बी नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। हम दोस्तों बात करेंगे हेमलेट की। यह हेमलेट खुद से कहता है, जब उसे हेमलेट के पिता का घोष्ट बताता है कि क्या उसके साथ हुआ है और कैसे उसके मरने के बाद गर्ट्रूड ने शादी कर ली क्लॉडियस से, दोस्तों अकेले में एक सालिलोक्वी आती है, जिसे आप कह सकते हो हिंदी में, जैसे हमारे एक होता है ना करेक्टर अकेले ही स्टेज पे सोचता है, क्योंकि सोचेगा तो पब्लिक को सुनाई नहीं पड़ेगा, इसीलिए नाटक में बोलना भी पड़ता है दोस्तों। तो ये कहलाता है क्या, हेमलेट टू हिमसेल्फ। बहुत ही बारीक क्वेश्चन था। हेमलेट गर्ट्रूड के बारे में कहता है, पर गर्ट्रूड से नहीं कहता दोस्तों, इट्स अ सालिलोक्वी, ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। सो द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, लेट्स गो। अगला, मुझे यकीन है यह लाइन आपको जरूर याद होगा। शुरू करेंगे, बी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन लाइज, माफ करेंगे मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाने वाला हूं, और इसलिए मैं चाहूंगा पहले मैं पेन कवर कर लूं। यस, कह रहा है तो बच के रहो, द बेस्ट सेफ्टी लाइज, इट शुड बी लाइज, लाइज इन फियर, सुरक्षा सबसे बेहतर तब है जब तुम्हें डर लगे, अब डरोगे तो सुरक्षित रहोगे। यूथ टू इटसेल्फ रिवेल्स, क्योंकि युवा होने में, जवान होने पे विद्रोह होना तय है। थ्रू नन एल्स नियर, तब जब कोई भी आपके नजदीक बुजुर्ग ना हो। तो दोस्तों यह लाइन कौन कहता है? ऑप्शन ए, लर्टीस टू ओफिलिया इन हेमलेट, लर्टीस टू क्वीन गर्ट्रूड इन हेमलेट, अथेलो टू डेस्टिमोना इन अथेलो, वायला टू ओलिविया इन ट्वेल्थ नाइट। गेस करता हूं इस बार तो आप पक्का बताएंगे, मुझे पूरा यकीन है ये लाइन आप नहीं भूले होंगे। बी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, सबसे बेहतर सुरक्षा ये है कि आप डरे। जोश मतलब जवान होने पर विद्रोह होना तय है, स्पेशली तब कोई बुजुर्ग या कोई सही मार्ग दिखाने वाला आसपास ना हो। गेस दोस्तों, एक्चुअली दिस इज दोस्तों पोलोनियस। तो पोलोनियस का एक बेटा है और एक बेटी है दोस्तों। तो पोलोनियस के जो बेटे का नाम है स्कॉट लर्टिस, और उनकी बेटी का नाम है ओफिलिया। दोस्तों क्योंकि पोलोनियस और लर्टिस विरोध में होते हैं किसके, हेमलेट के। जब उन्हें पता चलता है कि ओफिलिया इज इन लव विद हेमलेट, जब उन्हें पता चलता है कि ओफिलिया हेमलेट से प्यार करती है, तो वो लोग उसे सलाह देते हैं, लर्टिस सलाह दे रहा है क्या, कि अगर हो सके तो तुम उसे दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो द राइट आंसर इज गाइस ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। और देखता हूं, आई एम गोइंग टू चेक द आंसर्स। यस, ओके, गोइंग टू चेक आंसर्स। एक बार आपके उत्तर को चेक कर लेता हूं। यस, ए, यस, ट्वेल्थ, सविता, नो, सविता इट्स ए। हाँ, एक बार सारे लोग समझ गए हैं। यस, ओके, ट्वेल्थ का ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। एंड लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट गाइस। ओह माय गॉड, अगेन अ वेरी बड़ी पवित्र लाइन, दैट वन मे स्माइल एंड बी अ विलन, वेयर डज दीज लाइंस अपीयर। एक आदमी मुस्कुरा कर भी खलनायक हो सकता है, एक बहुत ही दमदार लाइन है, आप समझ गए हैं। ये लाइनें कहाँ आती हैं? हेमलेट में, मैकबेथ में,
अथेलो में नन ऑफ दीज, लेट्स गो। मुझे यकीन है आप इसका सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर देंगी। अच्छा लगा, वेटिंग फॉर आंसर्स। यस यस, द इस दानिश फातिमा, बेटा आपका उत्तर सही है। यस ओके, योर आंसर्स ऑन द वे। दोस्तों एक्चुअली जब तक हेमलेट को नहीं पता होता कि मेरे पिताजी की हत्या हुई है, तब तक वह क्लाउडियस को एक भगवान से कम नहीं मानता, क्योंकि वह उससे मुस्कुरा के मिलता है, नॉर्मली सब कुछ ठीक रहता है। उसके बारे में वो कहता है कि कई बार धोखा हो जाता है, हॉलीवुड मूवीज के विलन्स जैसे। विलन को इतना इंटरेस्टिंग बता रहे हैं कि आधी मूवी तक पता ही नहीं चलता विलन कौन है। तो वो कह रहा है दैट वन मे स्माइल एंड बी अ विलन। कई बार मतलब दोस्तों कहने का था, कई बार आदमी मुस्कुराने के बावजूद आपको लगेगा नहीं बहुत अच्छा आदमी है, बट वह एक क्या हो सकता है, बुरा आदमी। ही कैन बी अ खलनायक टाइप ऑफ मैन। सो द राइट आंसर गाइस, यस, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। यस, और अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। Guess, there are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed of in your philosophy. Who addresses these lines to Horatio? Horatio, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं पृथ्वी और आकाश के बीच जो हमारा विज्ञान या हमारा दर्शन से परे है, यह लाइनें Horatio से कौन कह रहा है? Horatio कह रहा है, हेमलेट कह रहा है, किंग लियर कह रहा है और एडमंड कह रहा है। कम गाइज, आई होप यू नो। यस, तो दोस्तों आई होप यू अंडरस्टैंड, लेट मी चेक इट आउट। तो दोस्तों मुझे यकीन है आप एकदम सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर देंगे। यस yes? Go through it. Yes. दोस्तों आप जानते हैं, आपने सही उत्तर दिया है दोस्तों। Let me go through it, checking your answers. Yes. Going to check it. Okay. बिल्कुल yes दोस्तों, जब हेमलेट का घोष्ट, हेमलेट किंग सीनियर हेमलेट की बात कर रहा हूं, द फादर ऑफ प्रिंस हेमलेट, जब उनका घोष्ट पहली बार दिखता है दोस्तों, जो भूत होता है उनके मेरे पिता का, तो दोस्तों Horatio को यकीन नहीं होता यार घोष्ट जैसी कोई चीज होती है। तो हेमलेट उसे समझाता है कि आसमान और पृथ्वी के बीच आत्मा, तमाम ऐसी बातें हैं जो आज का साइंस समझ नहीं सकता। सो यस, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। मुझे यकीन है दोस्तों यह आज तक की लिखी गई सबसे रोमांटिक लाइन है, और मुझे नहीं लग रहा है दोस्तों कि शेक्सपियर रोट एनीथिंग मोर रोमांटिक देन दिस। शेक्सपियर ने इससे रोमांटिक शायद अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं लिखा। आई होप, मैं आपको एक बार हिंदी अर्थ बताऊंगा, और मेरे पास अखिलेश सर भी लेटे हुए हैं, बैठे हुए इनफैक्ट दोस्तों, और आपको उन्हें भी लगेगा कि नहीं यार संस्कृत के सिवा भी रोमांटिक लाइंस होती है। डाउट दाउ द स्टार्स ऑफ फायर, डाउट दैट द सन डट मूव, डाउट ट्रूथ टू बी अ लायर, बट नेवर डाउट आई लव। तुम शक कर सकती हो कि तारों में कोई आग है, आई मीन एनर्जी है। तुम शक कर सकती हो कि सूर्य चलता है, आई मीन सूर्य भी मूव करता है। तुम सच को झूठ होने का शक कर सकती हो, पर मैं तुमसे प्यार कर करता हूं, इसमें कोई भी शक नहीं है। मोस्ट रोमांटिक लाइन्स रिटन बाय हेमलेट। वंस मोर, डाउट डाउट द स्टार्स फायर, डाउट दैट द सन डट मूव,
doubt truth to be a liar, but never doubt I love. ये लाइने कहाँ से आती? Hamlet, Othello, Love's Lover's Last, Twelfth Night. हो जाए दोस्तों, अब दोस्तों वो जमाना गया हिंदी फिल्मों का, जब हमारी हिंदी फिल्मों में मूवीज बनती थी, फर्स्ट लव लेटर एंड ऑल दैट, थोड़ा इशारा आपको जरूर मिला होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड, आशा करता हूँ कि आप इसे निश्चित ही बताएंगे। दोस्तों आपने देखा होगा हेमलेट की एक सीन में ओफिलिया को एक लेटर भेजता है कौन? हेमलेट, और उस लेटर में लाइनें लिखी होती हैं, और यकीन करिए दोस्तों आप इसके रोमांटिसिज्म पे मत जाइएगा, तो मैंने जस्ट आपको हंसाने के लिए बताया। दोस्तों कंटेम्पोरेरी एस्ट्रोलॉजी को देखिए दोस्तों, उस समय बड़ा ऊहापोह मचा हुआ था, लोग सोचते थे पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, पर वर्ष देखिए शेक्सपियर की सोच को, मतलब वो मानता था कि सूर्य भी घूमता है, सूर्य भी आकाश गंगा या किसी का चक्कर तो लगाता होगा, उसे लगता है कि सूर्य भी किसी चीज का चक्कर लगाता है। और दोस्तों यह एस्ट्रोनॉमी साइंस को भी दिखाता है, एंड द राइट आंसर इज यस ए। यह लेटर हेमलेट ओफिलिया को लिखता है, उसकी एक बहुत रोमांटिक लाइन है, आगे है, ओ हेमलेट दाउ हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन हु स्पीक्स इट, मतलब हेमलेट तुमने मुझे दुविधा में डाल दिया है, यह लाइनें कौन कहता है? क्वीन गर्ट्रूड, प्लेयर क्वीन, ओफिलिया, नन ऑफ बीच, यस दोस्तों यह लाइनें कौन कहता है? हेमलेट तुमने मुझे दुविधा में डाल दिया है, यह लाइनें कौन कहता है? क्वीन गर्ट्रूड, प्लेयर क्वीन, ओफिलिया, नन ऑफ दी। चलेंगे दोस्तों शुरुआत करेंगे, यस आई होप यू अंडरस्टैंड, गोइंग टू टेक योर आंसर्स, यस ओके, बिल्कुल सही दोस्तों, आपने बिल्कुल सही बताया। एक्चुअली क्वीन गर्ट्रूड को नहीं पता होता है कि हेमलेट के पिता का हत्यारा क्लाउडियस है, जिससे उसने गलती से शादी करी है दोस्तों, विदाउट नोइंग कि ही इज द मर्डरर, तो उनको ये पता चल जाता है कि उनकी नेचुरल डेथ हुई है, ये तो बाद में पता चलता है कि बाय ईयर किसी ने पॉइजन डाल दिया था। दोस्तों जब उसे असलियत पता चलती है, क्योंकि वो उससे शादी कर चुकी होती है और इधर इनका बेटा बदला लेने के लिए परेशान है, तो समझ नहीं पाती को किसका पक्ष ले दोस्तों, तो इसलिए वो क्या कह रही है? ओ हेमलेट दाउ हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, द राइट आंसर इज गाइस यस ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज केम इन 1623, फॉर दिस क्रेडिट गोज टू, देखिए दोस्तों यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको चार प्रश्न पहले से दिए गए हैं। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज केम इन 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू टू एक्टर्स हेमिंग्स एंड कॉन्डेल, द फोलियो कंटेंट 36 प्लेज, वन प्ले वॉज नॉट इंक्लूडेड, विच इज वन दैट, बहुत ही बारीक क्वेश्चन। दोस्तों शेक्सपियर के प्लेज का जो फोलियो एडिशन आया, अभी बताऊंगा फोलियो एडिशन क्या होता है, यह 1623 में आया, जिसे दो उसके फेलो एक्टर्स ने बनाया था, हेमिंग्स और कॉन्डेल ने, इसमें उन्होंने जानते हैं आप 37 प्लेज लिखे हैं, तो 36 तो थे पर एक कौन सा नहीं था वो आपको बताना है, पेरिक्लीज, सिम्बलिन, हेमलेट, एज यू लाइक इट, ये बहुत तब बताएंगे दोस्तों, यस दोस्तों बहुत बार इसमें चार, पहली बार तो कई बार यही पूछा है कि शेक्सपियर के प्लेज का पहला फोलियो एडिशन कब आया, तो उत्तर है 1623। दूसरा किसने उसे पब्लिश किया, तो उसके दो साथी कलाकार थे जिनका नाम था हेमिंग्स एंड कॉन्डेल, यह। और दोस्तों दूसरी बात क्या थी, उसमें उनका एक प्ले नहीं था, वह कौन सा था? एंड गाइस द राइट आंसर इज पेरिक्लीज, दोस्तों पेरिक्लीज प्ले उसमें नहीं था, सही उत्तर है पेरिक्लीज, यह भी एक पॉसिबल क्वेश्चन है, मतलब आपने इसमें तीन क्वेश्चन देखे दोस्तों, फर्स्ट पोलियो एडिशन 1623 बाई हेमिंग्स एंड कॉन्डेल, और इट इंक्लूडेड 36 प्लेज, और एक प्ले जो मिस हुआ था दैट वाज कॉल्ड व्हाट, पेरिक्लीज, यस। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 18,
ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स आर द नेम ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विद। दोस्तों उस समय जानते ही थे थिएटर का जमाना था, तो दोस्तों ग्लोब थिएटर और ब्लैक फ्रायर्स थिएटर किसे जुड़े थे? ऑप्शन ए बेन जॉनसन, ऑप्शन बी मिल्टन, ऑप्शन सी पिंटर, ऑप्शन डी शेक्सपियर। कमन गाइस लेट्स गो। यस दोस्तों बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में अपनी सफलता, कई बार दोस्तों मरणोपरांत बहुत बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं, बड़ो व्यक्ति देखने के लिए जिंदा नहीं रहता, बट दोस्तों द ग्रेट शेक्सपियर इंजॉयड हिज नेम एंड फेम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम हिमसेल्फ। उन्होंने बहुत लोकप्रियता देखी और इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया दोस्तों कि देखिए दोस्तों इस साल टीजीटी में क्वेश्चन आया था और आप उठा के प्रैक्टिस देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया है, आप बायोग्राफी भी उठा के देख लेना, अभी बड़ी है, वीडियोज पढ़े होंगे पेड क्लास में। दोस्तों द न्यू प्लेस यह स्टेफोर्ड एट एवन जहां का निवासी था शेक्सपियर, वहां का सबसे बड़ा मकान था और यह खरीदा था किसने? विलियम शेक्सपियर ने दोस्तों। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह एक बिजनेसमैन था, वह शेयर्स खरीद लेता था किसके? थिएटर्स के। और ग्लोब और ब्लैक फ्रायर्स ऐसे दो थिएटर थे जहां पे शेयर होल्डिंग की हिस्सा था किसका? हमारे शेक्सपियर का। सो द राइट आंसर इज गाइस डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। गुड फ्रेंड, चले एक बार देखते हैं, बहुत दमदार लाइनें हैं, पहले मैं चाहूंगा लाइन सुने। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट इन क्लोज हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी दैट मूव्स माई बोन्स, दिस रेस्ट डॉगरेल ओवर द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पोएट वॉज इंटेंडेड नो डाउट एज अ वार्निंग टू सम स्टूपिड सेक्सटन लेस्ट ही शुड इम्पटी द ग्रेव। मतलब कि ये लिख क्या कह रहा है कि अच्छे मेरे दोस्त ईसा मसीह के लिए मेरी कब्र को दोबारा मत खोदना और उसे भगवान उसको आशीर्वाद दे जो मेरी कब्र को टच नहीं करता, और जो मेरी कब्र को टच करता है उस पर लाखों बद्दुआएं आए। ऐसी लाइनें किसके कब्र में लिखी हैं? ऑप्शन ए शेक्सपियर, ऑप्शन बी मिल्टन, ऑप्शन सी चौसर, ऑप्शन डी बेन जॉनसन। मुझे यकीन है दोस्तों आपने जरूर ये लाइन पढ़ी होगी, शेक्सपियर द मैन द बार्ड ऑफ एवन जिसे कहते हैं दोस्तों, उनकी कब्र पे लाइनें लिखी हैं, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट इन क्लोज हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स। मतलब कह रहा भगवान जो मेरी कब्र को ना टच करे, सुरक्षित रहने दे, उसका भला करो, और जो मेरी कब्र को खोद दे उसे लाखों बद्दुआएं मिले। यस शेक्सपियर इज द राइट आंसर। तो आप समझ ही गए हैं दोस्तों, शेक्सपियर ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, शेक्सपियर प्रोबेबली वर्क विद समवन इन द लास्ट टू पार्ट्स ऑफ हेनरी सिक्स्थ एंड रिचर्ड थर्ड, हु इज ही? दोस्तों कुछ प्लेज में ऐसा कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने कई और लोगों का सहारा लिया, वह उनमें से एक कौन था? मॉर्लो, ग्रीन, लॉज, थॉमस नेस। दोस्तों बताएंगे फटाक से। यस दोस्तों कौन नहीं जानता, आई होप आप जरूर, आपको मालूम होगा। चलेंगे दोस्तों, शेक्सपियर ने ऐसा माना जाता है शेक्सपियर का सबसे बुरी तरह से लड़ाड़ा किसने था शेक्सपियर को? थॉमस ग्रीन ने। क्या उसने कहा? शेक्सपियर एक कनखजूरा है, ही इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स। उसने कहा कि यह एक कनखजूरा है जो हमारे पंखों से खूबसूरत हुआ है। ग्रीन को लगता था कि हम यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके आए हैं और एक गधा एकदम नॉर्मल सा आदमी आके नाम कमा रहा है। दोस्तों ये दो चीजें दिखाता है, एक ईर्ष्या ग्रीन की शेक्सपियर के लिए, एक और क्या कि उस समय शेक्सपियर कितना लोकप्रिय रहा होगा। और दोस्तों द राइट आंसर इज क्रिस्टोफर मार्लो द मैन। दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में एक आज रोचक सूचना सुन ले, इंग्लिश ड्रामा में ब्लैंक वर्स का प्रयोग करने का पहला सिरे किसको जाता है? क्रिस्टोफर मार्लो का,
दोस्तों आपने जरूर उनका वो ड्रामा सुना होगा जो उन्होंने तैमूर लंग के ऊपर लिखा है, इट्स कॉल्ड तैमूर लेन, तैमूर लेन। दोस्तों यह प्ले में पहली बार इंग्लिश ड्रामा में ब्लैंक वर्ड्स इंट्रोड्यूस किया किसने, क्रिस्टोफर मॉर्लो ने, और ऐसा माना जाता है कि हेनरी सिक्स्थ और रिचर्ड थर्ड में काफी बड़ा योगदान रहा किसका, क्रिस्टोफर मॉर्लो का। दोस्तों अब दोस्तों एक बार कमेंट करें कैसे लगे क्वेश्चन, प्लीज मेक अ कमेंट दोस्तों, एक बार कमेंट करें कैसे लगे आज के प्रश्न। यस दोस्तों आज के कॉम्बिनेशन के लिए कमेंट करें। यस मेक अ कमेंट गाइज। बिल्कुल अंशुदेव फंटास्टिक। दोस्तों अपने कमेंट जरूर लिखिएगा हाउ वाज द क्लास, बिकॉज नेक्स्ट क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट। तो दोस्तों एक बार फटाक से कमेंट लिख देंगे एंड आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट क्लास, सॉरी आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट क्लास एंड पवन सर इज गोइंग टू कम। यस सो चलेंगे दोस्तों अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी कल, फिर पढ़ते रहिए दोस्तों, अपनी कोई बात हो कोई समस्या हो भेजते रहिए। थैंक यू, थैंक्स और थैंक यू।